करनाल के इंद्री उपमंडल के गांव जैनपुर साधन में जीरे की फसल को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान लाठी बरछों का खूब प्रयोग किया गया, जिसके चलते आधा दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को इंद्री के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें करनाल कल्पना चावला अस्पताल रेफर कर दिया गया। एक पक्ष के सुरेश कुमार ने बताया कि गांव के कुछ लोग हमारे खेत में जीरे की बालें उठा रहे थे, उनको जब रोका गया तो वो लड़ने लगे और कुछ और साथियों को बुलाकर हम पर हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया। जब इंद्री सरकारी अस्पताल में आए तो यहां पर इन लोगों ने भी फिर से लाठियां व बरछों से उन पर हमला कर दिया। सुरेश ने बताया कि इन लोगों का तो काम ही लड़ाई झगड़ा करना है। वहीं पुलिस अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया कि दो पक्षों में लड़ाई होने की सूचना मिली थी, पुलिस ने इनका प्राथमिक उपचार करवा दिया है। उन्होंने बताया कि अभी किसी भी पक्ष की ओर से शिकायत नहीं मिली है, दोनों पक्षों के लोगों को चोटें लगी हैं। इनमें से एक शेख जाति के व दूसरे पूर्विया जाति के हैं, इनका जमीन को लेकर कोई झगड़ा बताया जा रहा है। शमशेर सिंह ने बताया कि जिस तरह की शिकायत मिलेगी उसी हिसाब से कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इंद्री से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। किस बात पे लड़ाई हुई आप लोग? जोली मारी जीरी काटने थी, बच्चों नाम लेकर जान लग गए थे, मगर थाने में लेकर आएंगे आप। बस इस बात को छोकरा आया था, बड़ा जोर सा उछना मारी थी। क्या बात हुई थी पहले जीरी के ऊपर? हाँ जी, जीरी के ऊपर। हाँ जी, जीरी के ऊपर। जीरी किसकी दी हो? जीरी मारी है जी। क्या नाम है जीरी मालिक का? शेर सिंह है जी। अच्छा, तो जीरी अच्छा काटा वो? अच्छा, नाम है उनका दूसरे का? नाम नहीं पता जी, इसके डैडी का नाम पता है। अच्छा, क्या नाम है? फक्कर है जी उसका नाम। फक्कर, हाँ जी। अच्छा, तो अब क्या बात हुई आप लोगों की यहाँ? अब जी, अब तक पहले तो वहाँ हमारे जी मारा साहब के मारे, देख लो आप, खून खान मारे चल गए मेरे ताऊ का, इसका चोट मारी थी, इसका यहाँ को हाथ लेकर आए गया, और यहाँ हमारी थी छोकरी इकट्ठी कर रखे थे, 40-50 छोकरी यहाँ थी, पता नहीं कहाँ कहाँ के छोकरी इकट्ठी कर रखे। हेलो, क्या नाम अपना? सुरेश कुमार। क्या बात हुई? बात क्या जी, उस वक्त जीरी के जाकर जीरी काट रहे थे बाला, ठीक है जी। और ये मेरे भाई यार इनते रोकने लग गए कि भाई क्यों काट रहे थे बाल, नहीं समझे इनते टाया और ये ऊपर से गालियां लग गए देने। गाल देने के बाद ही ना फिर क्या भाई, हम चले जो हाथ वाले क्यों काट रहे, इतना भी इनकी मत आई लाठी लूठने का, इन पर लाठियाँ बजाई थी, ठीक है जी। फिर सारे के सारे हैं 3-4-5-6 जन पटरों का, ये दो भाई थे मेरे, दोनों पर लाठियाँ बजाई थी ना, पूरी डालते हैं। अरे एक निज मैं कहूँ, इनका यही काम है जी, लोगों की जीरे खुआ घोड़ियाँ खोल दें, हम ठेके पर खेत लें, हमने क्या बचा उसमें, जोर से बचाए लें खुआ खूजा रोक पहनते हैं, ये लाठियाँ बजाओ हमारे पास। तो अब क्या बात हुई आपके यहाँ पर इंद्री में? यहाँ जी हमारे अस्पताल में आने के चाह रहे थे कि अंदर आओ अस्पताल में, बाहर से बाहर मार पाओ देखो जी, ठीक है जी, अंदर मेरे बाप का देखो जी, भाई का देखो जी, इतनी लंबी लंबी मोबाइल ले रहे थे, बर्छियाँ ये लाठियाँ ले रहे थे, लाठियाँ बजाई मार पाओ अस्पताल में, नहीं आने दिया, थाने तक नहीं जान दिया जी, मरते थाने बचावा थे, थाने तक नहीं जान दिया मरते। तो हॉस्पिटल के और थाने के बीच में? हाँ जी, हॉस्पिटल और थाने के बीच में जी, इस रोड पर मेन रोड पर। कितने आदमी थे जी? ये कम से कम 8-10 आदमी थे जी। हाँ जी, झगड़ा हुआ जैनपुर में, क्या है? हमें तो सूचना मिली थी जी, अस्पताल में आए हैं हम, अस्पताल में इनकी पट्टी पुट्टी करवा दिया जी, यहाँ दोनों समुदाय आए थे, दोनों को अलग अलग कर दिया, अभी दरख्वास्त किसी ने दी नहीं है जी, अभी कोई दरख्वास्त देंगे, पूछताछ करेंगे इनसे। तो झगड़े के कारणों का पता लग पाया अब तक? अभी तक कुछ नहीं पता जी, इन्होंने कोई सूचना नहीं दी मेरे को, ना कोई दरख्वास्त दिया जी। अभी कितने लोग आए ना कुछ पता लगा? घायल 3-4 लोग हैं जी दोनों तरफ से। तो थाने के पास ही झगड़ा हुआ है? थाने के पास नहीं हुआ जी, ये तो अस्पताल से भारे को सूचना मिली थी जी, अस्पताल के पास गांव में झगड़ा हुआ था, अस्पताल में आए थे, यहाँ पास थोड़ी फिर होगी होगी इनके द्वारा। तो यहाँ पर भी 20-25 आदमी ने हमला किया था यहाँ पर अपना हॉस्पिटल के पास ही? नहीं, मारे को सूचना नहीं मिली जी अस्पताल के पास, यहाँ कहाँ थोड़ी पता लग गया भी, ये दोनों पार्टी यही हैं, हॉस्पिटल में मौके पर आ गया समय। ज़्यादा चोटें हैं? नहीं, ज़्यादा चोटें नहीं हैं जी। तो कौन कौन लोग हैं ये कुछ पता लगा? ये एक ही गांव के हैं जी दोनों। अच्छा। दोनों एक ही गांव के हैं, एक शेख मुस्लिम पार्टी है, एक ये पूर्वीय पार्टी है, कुछ जमीन का था इनका आपस में। क्या कार्रवाई की जाएगी?
कानूनी कार्रवाई करेंगे जी, दरखास्त आने पे अभी दरखास्त नहीं दे रहे जी। दोनों पक्षों पर चोट लगे? हाँ दोनों पर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.